और अब गाड़ी को इस रैंप पे चढ़ा देते हैं, उस रैंप पे पूरा चढ़ा के पूरे ब्रिज को पार करके लेके चलते हैं अपने काओ बांध तक। वेलकम बैक है रैन सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम यहाँ पे अपने काओ बांध को अपने घर से ब्रिज से कनेक्ट करने वाले हैं, तो मैंने इसका अभी इनिशियली ब्लूप्रिंट थोड़ा सा इंस्टॉल कर लिया है और ये यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है। और इसको अभी हम बिल्कुल हाइट में ऊपर तक लेके जाएंगे, ऊपर से बिल्कुल सीधा कनेक्ट करेंगे अपने घर से काओ बांध को, ताकि हम अपनी गाड़ियों को जो है अपने घर से सीधा अपने काओ बांध तक ले जा सके। तो अभी यहाँ मुर्गियों ने काफ़ी सारे फर्टिलाइज एग्स भी दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मुर्गे भी लाके रख दिए थे। और अब यहाँ पे इन फर्टिलाइज एग्स को पता करने का तरीका ये है कि इन फर्टिलाइज एग्स को जब अभी हम उठाएंगे ना, तो ये देखो ये मुर्गी मैंने मारना शुरू कर दिया, तो ये मारा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर फर्टिलाइज एग हमारे हाथ में आया तो मुर्गी जो है हमें मारने की कोशिश करने लग जाती है। बाकी हम इसे कन्फर्म करने के लिए ओवरस्कोप में रख सकते हैं और ओवरस्कोप में रख के चेक कर सकते हैं कि ये फर्टिलाइज है या नहीं है। और अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो इसे हम वापस मुर्गी के पास रख देंगे, तो इससे हमें बाद में चिकन मिल जाएगा और तो इससे हमारे चिकन्स की जो है और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, तो हमारा जो है काफ़ी सारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि इससे चिकन काफ़ी सारे और बढ़ते रहेंगे तो नंबर बढ़ता रहेगा। और अब जैसे ये वाला देखो इस ओवरस्कोप में दिख रहा है, तो इस एग पे हल्की सी मार्किंग दिख रही है, तो हल्का सा एक निशान है, उस निशान से पता चलता है कि हाँ ये एग फर्टिलाइज है। तो अभी यहाँ क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अंदर ना जो हमारा स्टोरेज हाउस है जो हमने एग के लिए बनाया है एग रखने के लिए, तो वहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि जो है इसमें कोई मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा ओवरस्कोप को अंधेरे में रख के ही चेक करना चाहिए। तो बाद में हम क्या करेंगे, जो बाद में ओवरस्कोप के लिए एक रूम बनाएंगे वो उसको थोड़ा अंधेरे में बनाएंगे, तो अंधेरे में एग्स को ले जाके रखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि एग फर्टिलाइजर है या नहीं है। अगर उस पर मार्किंग हुई तो फर्टिलाइजर, और मार्किंग नहीं हुई तो वो नॉर्मल एग है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बन रेडी कर रखा है, इस टेबल के ऊपर इस ओवरस्कोप को रख देते हैं। एक बार मैं एग को उठा लूँ और इसके ऊपर, ओ भाई ये वैसे गलती से यार एग नीचे गिर गया, भाई ये एग तो टूट गया। एक काम करते हैं, अब दूसरा एग ढूंढ के लेके आते हैं जो फर्टिलाइज एग होगा, और वही फिर से ट्राई करना पड़ेगा, एग उठा के देखना पड़ेगा। अगर एग उठा के मुर्गी ने मारना शुरू किया तो एग फर्टिलाइज है, तो इस वाले में तो नहीं, कोई मुर्गी मारने की तैयारी कर रही है, कोई सी नहीं कर रही। इसको उठा के देखो, कोई सी मुर्गी मारने आई नहीं आई। अब इधर से उठा के देखते हैं, ये ऊपर मुर्गियाँ बैठी हैं ना, ये हो सकता है ये एग फर्टिलाइज हो ये वाले ना, तो इनमें से तो कोई सा तो ऐसे कोई इनमें को मार्किंग दिख नहीं रही, और यानी ना कितनी गंदगी मचा रखी है, ये भी साफ करना पड़ेगा। और एग्स भी काफ़ी सारे दिए हैं, तो इनमें से कोई सा एक एग तो होगा जो फर्टिलाइज होगा इसमें से। तो इधर से ये वाला उठा के देखूँ, तो इस वाले पे कोई सी मुर्गी ने नहीं मारा, तो ये तो नहीं है। और अब इधर से ये वाला उठा के देखते हैं, ऐसे एग चमक काफ़ी ज़्यादा रहा है, शाइन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है एग। और ये वाला भी कोई नहीं मारा, अब नहीं इधर से नहीं। एक काम करते हैं, फूड ट्रफ के ऊपर से उठाते हैं, यहाँ पे ये बैठी हुई है ना, यहाँ से शायद कोई सा फर्टिलाइज, ये मारा इसने, एक मुर्गी ने मारा, तो यहाँ पे एक फर्टिलाइज एग है। एक मिनट पहले बाहर भागे, नहीं तो ये मुर्गी मार देगी ना, मार मार के इतना, और मुर्गी पूरा गुस्से में मारती है, एक एग उठा के ही तो देखा है। एक काम, अभी मुर्गी को शांत हो दो, फिर चलते हैं एक बार अंदर ना। अब उठाते हैं एक बार इस अंडे को, उठा के लेके चलते हैं वहाँ पे, कौन सा ये वाला था, ये हाँ ये मार रही है, इसको लेके चलते हैं एक बार। और अब एक बार ओवरस्कोप में रखते हैं इसको, और मैं दिखाता हूँ कि वो मार्किंग कैसी होती है जिससे पता चलता है कि एग फर्टिलाइज है या नहीं है, तो मतलब उस एग से हमें चिकन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये एग वैसे देखने में तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, ओवरस्कोप में रख के ही पता चलेगा। तो ओवरस्कोप में यहाँ पे रख देते हैं और ओवरस्कोप को ऑन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये देखो इस पर दिख रहा है ना, ये एग पे एक मार्किंग दिख रही है, एक ध्यान से ये देखो, एग पे दिख रहा है, एग पे अंदर निशान निशान से जो है, इससे पता चल रहा है कि हाँ ये एग फर्टिलाइज्ड है। तो इस एग को हमें अब जो है ना अलग से सेपरेट लेके हम मुर्गियों के पास रख देंगे, और जब हम बाद में एग्स को कलेक्ट करा करेंगे तो सारे एग्स को एक बार ओवरस्कोप में चेक कर लिया करेंगे, उसमें जो फर्टिलाइज एग्स हो करेंगे उनको हम वापस मुर्गियों के पास रख देंगे, और जो नॉर्मल एग्स होंगे उनको हम या तो चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे, क्योंकि चीज़ प्रोडक्शन में अगर हम जो है एग एक डालें चीज़ बनाते टाइम, तो उसका काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है हमें बाद में, और अब या फिर हम उन एग्स को सेल कराएंगे मार्केट में जाके। तो अभी एग्स को तो हमने वापस रख दिया वहाँ पे, और अब बस अब चलते हैं और अपना ब्रिज का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्रिज का काम आज कंप्लीट करना है। तो हमारा काओ बांध कनेक्ट हो जाएगा घर से, और फिर मैं जाके अब बाकी काउस भी यहाँ पे ले आऊँगा, और काउस को हम यहीं पे रखने वाले हैं,
और फिर हम अब क्राउस को यहाँ लाने के बाद चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और चीज के प्रोडक्शन के लिए अभी जो है इनिशियली हम अपने इस लग्जरी हाउस को यूज करने वाले हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर पे चीज प्रोडक्शन हम लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्लैंक्स तो अभी एक काम करते हैं ना, प्लैंक्स नीचे पड़े हुए हैं काफी सारे जो हमने लास्ट एपिसोड में अपने ट्रेलर से अनलोड किए थे, उनको मैं ना गाड़ी में लोड करके ले आता हूँ। और अभी यहाँ पे मुर्गियों ने काफी सारे अंडे दिए हैं, तो अभी हमारे पास बास्केट भी नहीं है, तो अभी हमें जब हम जनरल स्टोर जाएंगे फिर से तो एक बार जो है बास्केट भी खरीद के लेंगे ताकि हम एग बास्केट में इन एग्स को कलेक्ट कर सकें। और अभी ये गेट ना ऐसे उतर के खोलना पड़ता है, तो ये बाद में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बाद में हम गाड़ी को जो है अंदर चिकन फार्म के अंदर लेके नहीं आएंगे, खाली रैंप पे खड़ा कर देंगे और रैंप के वहीं से ही जो है जो भी कुछ लेना होगा रैंप के वहीं से चिकन्स को अनलोड कर देंगे या सामान को रख लेंगे। और अभी मैं जल्दी से फटाफट ये ना सारे प्लैंक्स जितने भी इस गाड़ी में आ सकते हैं उतने मैं लोड कर लेता हूँ। वैसे तो इस गाड़ी में कम ही आते हैं, इस गाड़ी में शायद 9 प्लैंक्स ही आ पाते हैं या फिर 12 आ पाते हैं, तो गाड़ी की इसकी कैपेसिटी प्लैंक्स रखने की काफ़ी कम है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपना छोटा हाथी भी यहीं पे खड़ा हुआ है इसको फुल कर लेता हूँ, इसमें 20 प्लैंक्स आ जाएंगे, तो इससे जो है हम ज़्यादा प्लैंक्स ले जाके ब्रिज जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से उठा के मैं जल्दी से सारे इसको गाड़ी को लोड करना शुरू करता हूँ। तो ये वाली गाड़ी तो लोड हो गई और इसमें 20 प्लैंक्स आ गया, मतलब 4 प्लैंक्स ऐसे आ जाते हैं और 5 प्लैंक्स हाइट में आ जाते हैं। तो इस गाड़ी की कैपेसिटी हमारी जो है एसयूवी से ज़्यादा है प्लैंक्स को ले जाने की, तो अब इसको तो लेके चलते हैं। और अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे इस ब्रिज की हाइट ना काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इस ब्रिज के ऊपर तक हमें प्लैंक्स लगाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है। अभी देखते हैं जैसे भी हम ऊपर तक पहुंच सकें और ऊपर तक प्लैंक लगा सकें वो हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी ये नीचे के तो ये पहले जो है प्लैंक्स दो हैं ये लगा देते हैं, ये तो यहाँ लग गया और ये वॉल पर भी लग गया और ये दो भी लग जाएंगे ईजिली। अब इशू आएगा ऊपर के वाले प्लैंक्स को लगाने में, कि ऊपर जो हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से चढ़ने के बाद ट्राई करता हूँ कि नहीं यहाँ से तो नहीं चढ़ पा रहा, तो यहाँ से तो थोड़ी गाड़ी को पीछे खड़ी करते हैं, एक बार थोड़ा गाड़ी को पीछे खड़ा करके देखते हैं कि थोड़ा यहाँ से हम अगर चढ़ के इसके ऊपर गाड़ी की हेल्प से हम गाड़ी पे चढ़ के और फिर उस पे चढ़ सकें थोड़ा सा, तो अभी यहाँ से तभी हम यहाँ पे वॉल लगा पाएंगे ऊपर के प्लैंक्स लगा पाएंगे। तो नहीं ऐसे भी नहीं चढ़ पा रहे, तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इधर से भी नहीं हो पाएगा, तो इसका भी कुछ देखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं इसको। तो पहले तो मैंने गाड़ी को थोड़ा ऊपर ले ही चलूँ, ऊपर से शायद हम इस गाड़ी को थोड़ा ऊपर वाले जो हमारा ये जो प्लैंक्स लगाने हैं इसके पास बिल्कुल खड़ा करके यहाँ से थोड़ा जंप लेके हम ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक बार यहाँ से ट्राई करता हूँ मैं, तो यहाँ से शायद चढ़ जाना चाहिए, हाँ यहाँ से चढ़ जाएगा, यहाँ से काफ़ी पास में है, हाँ चढ़ गया यहाँ से। यहाँ से ये है, अभी यहाँ से इधर के लगा लेते हैं सारे के सारे। तो अभी यहाँ से मेरे को ना ये सारे ब्लूप्रिंट्स वॉल के जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो लगाने बिल्कुल ऊपर तक, हमारे काओ बांध की हाइट तक, जितने हमारे काओ बांध की हाइट है बिल्कुल ऊपर तक। तो ये लग गए ऊपर तक, और इतना ऊपर हमारा बीच बीच में हमें जो है काफ़ी सारी वॉल्स लगानी पड़ेंगी ताकि हम अपने स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रिज का स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट दे पाएँ और सीधा एक प्लेटफॉर्म बना पाए कि जिस पे हम गाड़ी को चढ़ा के गाड़ी को अपना काओ बांध तक ले जा सके और पूरा एक रास्ता बन सके। तो यहाँ तक तो लग जाएगा, बाकी इसके ऊपर का भी अभी पहले पीछे का तैयार कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर का भी देखते हैं कैसे लगाएंगे इनको हम। तो ये भी हो गया रेडी यहाँ पे भी, यहाँ के नीचे नीचे वाले जितने ये तो सारे इजीली लग जाएंगे, इशू जो आएगा वो ऊपर वालों में आने वाला है, तो इसका तो यहाँ से चढ़ जाएंगे, यहाँ से आराम से इजीली चढ़ जाएगा। तो यहाँ की भी इसकी वॉल्स लगा लेते हैं, यहाँ पे हमें उसके हाइट के बराबर ही वॉल्स लगानी है। यहाँ से ये ट्राई किया मैंने ना, बट यहाँ से जंप लेके नहीं लगा पा रहा उधर, तो पहले इधर की वॉल ही तैयार कर लेते हैं, उसको बाद में ही देखेंगे कैसे लगाना है। तो इसकी भी वॉल्स ऊपर तक ही जाएंगी वहाँ तक, तो इसमें लग जाएंगी शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6 काफ़ी रहेंगी, 6 में हाइट पहुँच जाएगी ऊपर तक, एक 6 सफिशियंट है, 6 में हाइट पहुँच जाएगी वहाँ तक। अब एक काम करता हूँ मैं गाड़ी को ऊपर ले चलता हूँ यहाँ पे ना अपने प्लेटफॉर्म के पास, तो यहाँ के पहले रेडी कर लेता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इस प्लेटफॉर्म से हम चढ़ने की कोशिश करेंगे ऊपर,
एक बार प्लेटफॉर्म से ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ऊपर से सीधा सीधा मैं स्ट्रेट स्ट्रेट लगा दूंगा सारे जितने भी हमारे ये वुडन प्लैंक्स हमें लगाने हैं सारे स्ट्रेट स्ट्रेट लग जाएंगे। तो इसको रेडी कर लेते हैं प्लेटफॉर्म को पहले। तो ये वाला प्लेटफॉर्म भी हो गया रेडी, ये वाली वॉल भी रेडी होगी और इस वाले प्लेटफॉर्म को भी रेडी कर लेते हैं। ये भी हो गया रेडी और ये हमारा रैंप है यहाँ पे गाड़ी को चलाने के लिए ऊपर। इस रैंप के थ्रू हम गाड़ी को ऊपर चढ़ाएंगे और अभी ये जो हमारे दो यहाँ पे वुडन प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं इनको मैं कनेक्ट करने के लिए ना जो वुडन हमारा प्लैंक्स वाला जो रैंप होता है वो बनाने वाला हूँ, उससे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे हम, ताकि हमारी ये जो कोई सी भी गाड़ी हो बड़ी ईजिली से रैंप पर चढ़ पाए और बड़ी ईजिली दूसरी साइड उतर सके। क्योंकि नॉर्मल अगर हम वैसे जो अपना रूफ़ वाला जो होता है स्लोपिंग रूफ वाला उसको अगर हम लगाते हैं तो उसमें इश्यू रहता है कि उसमें जो हमारे बड़े वाले ट्रक है वगैरह हैं वो नहीं चढ़ पाते, वो नीचे से टच हो जाते हैं। अभी एक बार मैं पहले नीचे चल के ना ये इस गाड़ी को फिर से लोड करके ले आता हूँ। तो ये ले आया मैं और प्लैंक्स को लोड करके, अब मैं इस गाड़ी को ना एक बार खड़ा कर देता हूँ वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर इस गाड़ी के थ्रू ऊपर हम चढ़ जाएंगे अपने इस ब्रिज के ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ कैसे, बट पहले मैं ना एक बार ये यहाँ पे ना यहाँ वॉच लगा के इसको रेडी कर लूँ, यहाँ के जो ब्लू प्रिंट्स है वो सारे इंस्टॉल कर लूँ। उसके बाद क्या होगा, हम प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बस हमें लगाना बाकी रहेगा, वहाँ से हम फटाफट जल्दी से उनको लगा देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इधर होके ये लग गया, ये इधर लग गया दो। अब एक वॉल लगानी है उधर, इधर की वॉल ट्राई करते हैं एक बार। तो ये वॉल नहीं, ये वॉल साइड में आ रही है उधर नहीं लग पा रही। एक बार पहले मैं ऊपर का तैयार कर लूँ पर फिर मैं वॉल को तो बाद में लगाऊंगा। ये दो लग गए और अब एक बार साइड के सारे लगा लेते हैं इनको ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पे ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर से यहाँ से ये लग जाएंगे सारे के सारे। तो वहाँ से हमारा जो है ब्रिज का ऊपर का स्ट्रक्चर ना ये ब्लू प्रिंट रेडी हो जाएगा, फिर बस खाली हमें प्लैंक्स लगाने हैं और उनको रेडी करना है। तो ये एक वॉल यहाँ लगा दी और अब ये दो और लगेगा तो वहाँ तक हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लगा देते हैं यहाँ सीलिंग वाला ये एक ब्लॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे से तो नहीं लग पा रहा, कोई बात नहीं, पहले ऊपर वाले प्लैंक्स लगाना शुरू स्टार्ट करते हैं और जो है ना उसके बाद फिर जाके वहाँ पे लगा लेंगे। तो इधर के तो ये नॉर्मली ऐसे ही लग जाएंगे, यहाँ से ट्राई करते हैं लग जाएगा ये वाला। तो ये वाला भी लग गया और ये ऊपर वाला यहाँ का एक यहाँ का लग जाएगा, जंप लेके भी नहीं लग रहा। हाँ तो ये जंप लेके लग गया, तो ये जंप लेके लग गया तो अब बस इतने ही लग पाएंगे। अब बाकी ना एक काम करते हैं, गाड़ी को पहले अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं और फिर गाड़ी के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं ब्रिज के ऊपर और ब्रिज को जल्दी से रेडी करते हैं सारे वुड प्लैंक्स लगा के। तो अभी मैं गाड़ी को रिवर्स में खड़ा कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर, या प्लेटफॉर्म में गाड़ी को रिवर्स में खड़ा करके ऊपर और गाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और फिर गाड़ी से जंप लेके हम जो है ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो गाड़ी यहाँ पे छोड़ देते हैं, गाड़ी को गाड़ी यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से एक प्लैंक लेके जंप लेते हैं और बस चढ़ गए। और अब जल्दी जल्दी से फटाफट सारे प्लैंक्स लगा देते हैं और अपना ये पूरा ब्रिज यहाँ का रेडी हो जाएगा फटाफट से। तो एक बार ये साइड का मैं यहाँ से लगा पाऊंगा शायद ना, ये थोड़ा साइड में, हाँ ये साइड की वॉल का भी लग गया और अब बस फटाफट जल्दी से ये लगाते हैं और अब ये ऊपर के बस 5-6 ब्लॉक्स रहते हैं तो यार ब्रिज हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ का भी लग गया, ये यहाँ का लग गया। तो अभी क्या है ना, अभी गाड़ी के पास ज़्यादा के एक एक प्लैंक उठा के लेके आना पड़ रहा है और अभी फिर इनको लगाना पड़ रहा है। तो अगर पहले हमने अपना रैंप बना लिया होता ना तो गाड़ी को मैं सीधा इसके ऊपर ही ब्रिज के ऊपर ले आता और डायरेक्ट यहीं से उससे ले लेके लगा देता, पर कोई नहीं अभी तो जैसे भी है इसको फटाफट जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और अभी यहां से कुछ दौड़ के गया ना नीचे, नीचे मेरे को लगा कुछ दौड़ के गया है, एक बार देखते हैं नीचे चल के ना। मेरे को गाड़ी से कुछ आवाज़ आई कि इस चीज़ के टकराने की ना। ओ ओ ओ ये फिर भेड़िए ने अटैक किया इसने ना भाई, यहाँ पे इतने ज्यादा भेड़िए हैं ये बार बार अटैक करे जा रहे हैं। मैं पहले गन रीलोड कर लूँ जल्दी से अपनी, मैं मतलब रोज मैं यहाँ पे कम से कम 2 या 3 भेड़ियों को तो मार ही रहा हूँ और फिर भी ये अटैक करते रहते हैं। इतने भेड़िए आ कहाँ से रहे, अभी तो हमें ये भी ढूंढना पड़ेगा गेम में ये भेड़िए यहाँ पे रहते कहाँ पे हैं कि इतने सारे भेड़िए जो आए जा रहे हैं यहाँ पे। और अभी ना ये ऐसे नहीं मानने वाले, अभी मैं एक बार ना इसको पूरी की पूरी 6 की 6 उतारूंगा इसमें ना।
तो ये ना अभी भेड़िया ऐसे नहीं मानने वाले, अभी ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस ब्रिज के बाद ना यहाँ पे सारे में बाउंड्री करनी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पे सेफली काम कर सके, नहीं तो ये भेड़िए बार बार अटैक करते ही रहेंगे। और अभी यहाँ पे हमारे शायद रह गए 5 या 6 हमारे ब्लॉक्स और रह गए, और उसके बाद जो है हमारा ब्रिज रेडी हो जाएगा। वो सामने हमारी काव घूम रही है, तो मेरे को काफी सारे कमेंट आए थे कि काव को दिखाओ काव को दिखाओ, तो ये थी हमारी काव वहां सामने। और काव के लिए वहां पे मैंने जो है सामने फूड ट्रफ्स और वाटर बॉल्स भी बना रखे हैं, और वो वाले फूड ट्रफ्स और वाटर बॉल्स हमारे नीचे जो चिकन फार्म वाला विंड मिल और ग्रेनरी है उसी से काम कर रहे हैं, उसी से वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। तो ये 2 ब्लॉक्स का ब्लू प्रिंट और लगा दिया, और ये हमारा हो गया यहाँ तक का हमारा ब्रिज रेडी। अब बस करना इतना है कि यहाँ पे ना एक स्लोपिंग रूफ वाला रैंप लगाना है, तो जिससे हमारी गाड़ी यहाँ से उतर सके और गाड़ी यहाँ से वापस चढ़ सके। तो अभी ये गाय बीच में आ रही है, इस गाय को यहाँ से हटा देते हैं, इस गाय को भी पता नहीं इधर क्या व्यू दिख रहा है, क्या देखना है इसको, थोड़ा सा साइड करते हैं। उसके बाद ये इधर साइड आ गई ना, अब लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाय बीच में आ रही थी तो वो लग नहीं पा रहा था, तो अब ये लग जाएगा, ये लग गया। तो अब इसको लिए बनाने के लिए चाहिए हमें ये प्लैंक सी वाले, इनसे काम चल जाएगा। और ये गाय फिर वहाँ जाके घुस गई, अब इसको मैं कैसे बनाऊँ, गाय को फिर इधर लेके आना पड़ेगा। तो इस गाय को पता नहीं वहाँ पे क्या अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया कि ये गाय बार बार वहीं पे जाके खड़ी होती है। और अभी तो ये वाला रैंप बन गया, और अब चलते हैं वहाँ पे उस साइड अपनी गाड़ी लेके आते हैं। पर गाड़ी यहाँ लेके आने के लिए मुझे पहले यहाँ पे अपना प्लैंक्स वाला रैंप तैयार करना पड़ेगा, तो पहले बार मैं गाड़ी को नीचे उतार दूँ और यहाँ पे प्लैंक्स वाला रैंप ना रेडी कर लूँ। तो ये प्लैंक्स वाला रैंप ना हमारा ऐसे रहने वाला है, हम पहले कुछ प्लैंक्स को ऊपर लेके आने वाले हैं और फिर यहाँ से 3 प्लैंक्स को स्ट्रेट उससे कनेक्ट करने वाले हैं। तो अभी ये गाय यहाँ पे ब्रिज पे क्या कर रही है, और ये हमारे रैंप से जो है ब्रिज पे चढ़ गई, और ये यहाँ पे ये ब्रिज है, इसको ये रैंप लग रहा है, ये यहाँ पे रैंप वॉक करने आ गई है। और अभी इसको नीचे उतारता हूँ, मेरे को यहाँ पे ना एक गेट भी लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस गाय को यहाँ से रोक सकूँ इस ब्रिज पे चढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे ये बार बार चढ़ती रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये वुड फेंस वाला गेट लगा देते हैं, और इसको अभी मैं यहाँ से रेडी कर देता हूँ। और क्योंकि यही एक तरीका है इस गाय को यहाँ पे रोकने का, कि अभी तो एक ही काव है, और अगर हमने यहाँ पे अभी वाला गेट नहीं लगाया ना, तो बाद में काफ़ी सारी काव जब हम लेके आएंगे वो सारी की सारी इस ब्रिज पे हमारी आ जाएंगी, तो अब इसको हमें ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे वाला गेट लगाना पड़ेगा। और अभी मैं चल के फटाफट जल्दी से अपना जो है ना रैंप रेडी कर देता हूँ। तो ये हमारा रैंप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस एक ये प्लैंक और रह गया है, ये प्लैंक को लगा दूँ और फिर हमारा रैंप रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रैंप रेडी, और बस अब अपनी गाड़ी को इस पर चढ़ाते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स कर लेता हूँ। और अब गाड़ी को इस रैंप पे चढ़ा देते हैं, उस रैंप पे पूरा चढ़ा के पूरे ब्रिज को पार करके लेके चलते हैं अपने काव बांध तक। तो ये हम पहुंच गए अपने काव बांध तक। तो ये ब्रिज बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा इस ब्रिज में अभी क्या है ना, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, तो गाड़ियों को बड़ा सेफली लाना पड़ेगा। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि मैं इस ब्रिज पे ना अभी बाद में क्या करूँगा, दोनों साइड हाफ वॉल्स लगा दूंगा, तो दोनों साइड हाफ वॉल्स होंगी, तो हमारी कोई सी भी गाड़ी ना गिरने का डर नहीं होगा नीचे, तो हम फिर कोई सी भी गाड़ी लेके आए वो आराम से इससे आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड हाफ वॉल्स का सपोर्ट होगा तो वो गिरेगी नहीं। और बस अभी इस गाड़ी को मैं ब्रिज के यहीं बीच में खड़ा कर देता हूँ, और फिर एक बार देखते हैं कि ये गाड़ी हमारी साइड से लग कैसी रही है, साइड से जाके पूरे ब्रिज को देखते हैं एक बार। और अभी ये मेरे को पता है काव जल्दी से ना यहाँ पे फिर आ जाएगी, हाँ, क्योंकि मैं गेट खुला छोड़ आया था, और क्योंकि काव को जल्दी पड़ी है, इसको भी मेरे ख्याल से ब्रिज पार करके उस साइड जाना है। तो अभी तो इसको बाद में एक बार ले जाएंगे ब्रिज पार करा के भी इसको दिखा देंगे, बट अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। और अब मैं एक बार साइड में चलता हूँ, और साइड में चल के देखते हैं कि हमारा साइड से ब्रिज लग कितना बड़ा रहा है, और मैं गाड़ी इस पर खड़ी हुई कैसी लग रही है। तो अभी इधर से चल के देखते हैं लेफ्ट साइड से देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा सारा स्ट्रक्चर ये बनने के बाद। तो ये गाड़ी काफ़ी सही लग रही है इस पर खड़ी होने के बाद ना, तो अगर इस पर हम हाफ वॉल्स का सपोर्ट लगा देंगे तो हमें गाड़ी ऐसे विजिबल नहीं रहेगी। तो अभी कमेंट करके बताना कि इसमें हमें हाफ वॉल्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हाफ वॉल्स लगाई तो एक सेफ्टी तो हमें मिल जाएगी, गाड़ी हमारी नहीं गिरेंगी, बट अगर हम अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क करेंगे तो वो गाड़ियों का ऐसा व्यू नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है। और बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।